सुनिए, आप नहा लीजिए, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं आप? देखिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नए सफर के मालिक ब्रिजभूषण जी से मिलना है। वो उम्र में और हैसियत से हमसे काफी बड़े हैं। अयान से कहो जल्दी तैयार होने के लिए, उन्हें वेट कराना ठीक नहीं होगा। मैं बोल देती हूँ। कौन है वहां? सिक्योरिटी, रोको उसे। फालतू फालतू, क्या हुआ भाई साहब? अरे बाहर फालतू आइए, भाग रही है वो। क्या भाई साहब, क्या हुआ, आप इतने परेशान लग रहे हैं? फालतू बाहर आइए, अंदर आना नहीं चाह रही, पता नहीं क्यों। चलो रोको उसे, रोको। चलिए फालतू यहाँ आइए। फालतू रोको उसे। सिक्योरिटी कहाँ है वो? वो तो बाकी साहब चली गई। मत चली गई? चली कैसे गई? क्या काम है तुम लोगों का? कोई घर के अंदर आया और बाहर भी चला गया, तुम्हें पता तक नहीं चला? तो लग जा। यूज़लेस। पक्का वो फालतू ही थी? क्योंकि अगर वही थी तो फिर चली क्यों गई? मुझे क्या पता क्यों चली गई, लेकिन वो फालतू ही थी। फालतू थी तो अंदर क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटी, लेकिन मैंने उसे लेटर बॉक्स के साथ कुछ करते हुए देखा। बेटा कैसे पेपर है ये? फालतू ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। आर यू सीरियस अयान? तुम्हारे कहने पर तो मुझे ये उम्मीद थी कि वो शायद डिवोर्स पेपर साइन ना करे, और उसने तो कर दिए। ऐसे कैसे कर सकती है वो तुम्हारे साथ? उसने तुमसे शादी तोड़ दी, और जब वो यहाँ तक आई थी तो सबसे मिलकर जाती, डिवोर्स पेपर तुम्हारे हाथ में देकर जाती, पर वो तो ऐसे ही चली गई। अयान, मुझे तो अब सच में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मतलब फालतू मुझे कभी माफ नहीं करेगी? अब तक तो धारे को तालाब के कागज मिल गए होंगे मार्च साहब। अच्छा ही है, अब खुल के खुश हो जाना कि मारे से छुटकारा मिल गया। धारे को मारी शक्ल कभी ना देखनी पड़ेगी। खुश रहना अपने जीवन में मारे मिल। फालतू सोमवार से रविवार रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।